सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस जो महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित होगा। और ये वीडियो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी मदद करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? और इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1869 में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? और इसका सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था? और इसका सही आंसर है 1908 में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? और इसका सही आंसर है 9 जनवरी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर है 1917 में, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 6, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? और इसका सही आंसर है 1924 में, बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? और इसका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? और इसका सही आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो इसका सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? इसका सही आंसर है 1930 में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपको भी पता होगा यह, 30 जनवरी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? और इसका सही आंसर है 1909 में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? और इसका सही आंसर है 1931 में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग भी सोच सकते हैं इसका आंसर, 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? तो बेन किंग्सले ने, इसका सही आंसर है। गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो हम लोग यहाँ पर लाते रहते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।